करंट अफेयर्स हेडलाइंस। अत्याधुनिक हमसफर एक्सप्रेस का शुभारंभ। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत अगले सेना प्रमुख नियुक्त। विजेंदर सिंह ने फ्रांसिस चेखा को हराकर खिताब बरकरार रखा। करुण नायर ने नाबाद 303 रन बनाए, कई रिकॉर्ड तोड़े। साइरस मिस्त्री ने टाटा समूह की सभी कंपनियों से इस्तीफा दिया। भारत और कजाकिस्तान ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नदियों के विवाद निपटाने के लिए स्थायी न्यायाधिकरण बनाने को मंजूरी। भारत ने बेल्जियम को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप जीता। करंट अफेयर्स विस्तार से। अत्याधुनिक हमसफर एक्सप्रेस का शुभारंभ। इसके कोच महाराजा एक्सप्रेस की भांति सुसज्जित हैं। इसमें सफर करने के लिए यात्रियों को साधारण मेल एक्सप्रेस की तुलना में दोगुना किराया देना होगा। ट्रेन के प्रत्येक केबिन में रेफ्रिजरेटेड पैंट्री तथा अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत अगली सेना प्रमुख नियुक्त। बिपिन रावत को पदोन्नति प्रदान करते हुए यह पद प्रदान किया गया। वे दलबीर सुहाग का स्थान लेंगे तथा 31 दिसंबर दोपहर को कार्यभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत 11वीं गोरखा राइफल्स E5वीं बटालियन में कार्यरत थे। विजेंदर सिंह ने फ्रांसिस चेखा को हराकर खिताब बरकरार रखा। विजेंदर सिंह ने तंजानिया के फ्रांसिस चेखा को हराकर WBA पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताब बरकरार रखा। विजेंदर सिंह ने 10 मिनट से भी कम समय में चेखा को नॉकआउट करके मुकाबला जीता। विजेंदर सिंह ने जुलाई 2016 में यूरोपियन चैंपियन कैरी होप को हराकर यह खिताब जीता था। करुण नायर ने नाबाद 303 रन बनाए, कई रिकॉर्ड तोड़े। वे पहले शतक को तिहरे शतक में बदलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इस पारी में भारतीय टीम का कुल स्कोर 759 रन रहा। करुण नायर ने 200 रन बनाने के लिए 306 गेंदों का सामना किया। साइरस मिस्त्री ने टाटा समूह की सभी कंपनियों से इस्तीफा दिया। साइरस मिस्त्री ने टाटा स्टील और टाटा मोटर्स सहित टाटा की सभी बड़ी कंपनियों से इस्तीफा दिया। उन्होंने एक बयान जारी करके अपने इस्तीफे की घोषणा की। मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में चेयरमैन पद से हटाया गया था तथा रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया। भारत और कजाकिस्तान ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान अपराध और आतंकवाद तथा खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश पर भी हस्ताक्षर किए। नदियों के विवाद निपटाने के लिए स्थायी न्यायाधिकरण बनाने को मंजूरी। केंद्र सरकार द्वारा अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन करके यह निर्णय लिया गया। यह संशोधन संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इस न्यायाधिकरण का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाएगा। भारत ने बेल्जियम को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप जीता। भारत ने यह मैच 2-1 से जीता, जिसमें गुरजंत सिंह और सिमरनजीत सिंह के एक एक गोल शामिल हैं। इससे पहले 15 वर्ष पूर्व भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीता था। स्पेन के एनरिक गोंजालेस को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।